बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के बाद कल सुबह पूर्णिया आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान धमदाहा अनुमंडल के दमगढ़ा गांव में जीविका कर्मियों से सीएम मुलाकात करेंगे। इस बाबत सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डीएम राहुल कुमार, सांसद संतोष कुशवाहा और विधायक लेसी सिंह समेत कई अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर दमगढ़ा में उत्साह का माहौल है। राज्य के मुखिया से मुलाकात को लेकर जीविका कर्मियों में भी खुशी की लहर है। इस मौके पर सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है कि कोरोना काल में यहाँ की जीविका कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री जीविका कर्मियों से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। गौरतलब है कि धमदाहा वही जगह है जहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने इसे अपना आखिरी चुनाव कहा था। धमदाहा से अमित कुमार की रिपोर्ट। कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, जो जीविका के समूह है अरण्या, जो लॉकडाउन के अंदर में जो बेहतर कार्य किया है, जो अपना व्यापार को ट्रांजेक्शन किया है, तो उससे निश्चित रूप से जो जीविका के क्षेत्र में जो हमारी बहनें हैं उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए जो काम किया है उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और जो लगभग 20 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन किया है लॉकडाउन के अंदर, इसी उद्देश्य से जो जीविका समूह की दीदियाँ हैं उसका हौसला अफजाई करने के लिए कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और इस क्षेत्र के महिलाएँ उसको प्रोत्साहित तैयारी।